हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 69th और 70th मैच के बारे में। इसका 69th मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच है और इस मैच को आप कल दोपहर के 3:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं सारे मैचेस की टॉस और मैच की प्रिडिक्शन बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 200 देख सकते हैं इस पिच पर। अगर पिछले 74 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 41% फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 58% सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वेदर की बात की जाए तो 8% चांसेस है बारिश होने की। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। ह्यूमिडिटी 79% रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 2 मैचेस में जीत हुई है, 3 मैचेस में हार हुई है। वहीं पंजाब किंग्स के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। और अगर इनके बीच खेले गए 10 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 6 टाइम्स सनराइजर हैदराबाद की जीत हुई है, 4 टाइम्स पंजाब किंग्स की जीत हुई है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे सनराइजर हैदराबाद की टीम 15 पॉइंट्स के साथ है। 13 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस में जीत हुई है। वहीं पंजाब किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे 10 पॉइंट्स के साथ है। 13 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस में जीत हो पाई है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग सनराइजर हैदराबाद की टीम आगे है फ्रेंड्स। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 60% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 190 है, हाईएस्ट स्कोर 287 है, लोएस्ट स्कोर 134 है। अब अगर पंजाब किंग्स के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 40% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 174 है, हाईएस्ट स्कोर 262 है, लोएस्ट स्कोर 139 है। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, सनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, विजय कांत और टी नटराजन, ये हो सकती हैं प्लेइंग 11 सनराइजर हैदराबाद के। अब अगर पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पंजाब किंग्स से प्रभसिमरन सिंह, अथर्व ताइद, रिले रॉसो, शशांक सिंह, जितेश शर्मा, आशुतोष सिंह, क्रिस वोक्स, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, नाथन एलिस, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स के। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 69th मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार सनराइजर हैदराबाद के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात करते हैं इसके 70th मैच के बारे में, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच है और इस मैच को आप कल 7:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सारे मैचेस की अगर टॉस और मैच की प्रिडिक्शन आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। यह मैच असम गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 190 प्लस देख सकते हैं इस पिच पर। अगर पिछले
थ्री मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 33% फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 67% सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना 40% चांसेस है बारिश होने की। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। ह्यूमिडिटी 88% रहने वाली है। अब अगर राजस्थान रॉयल्स के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 1 मैच में जीत हुई है, 4 मैचेस में हार हुई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 4 मैचेस में जीत हुई है, 1 मैच में हार हुई है। और अगर इनके बीच खेले गए 10 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 5 टाइम्स कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत हुई है, 5 टाइम्स राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 19 पॉइंट्स के साथ हैं, 13 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस में जीत हुई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे 16 पॉइंट्स के साथ हैं, 13 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस में जीत हो पाई है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आगे है फ्रेंड्स। अब अगर राजस्थान रॉयल्स के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 50% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 182 है, हाईएस्ट स्कोर 224 है, लोएस्ट स्कोर 141 है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 70% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 199 है, हाईएस्ट स्कोर 272 है, लोएस्ट स्कोर 137 है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 70th मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। फाइनल प्रिडिक्शन आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी फ्रेंड्स, वहीं टॉस की भी प्रिडिक्शन आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।